जी राम राम। आप सबका स्वागत है आपके धनखड़ ब्लॉग चैनल में और एक बार फिर लेकर आ रही हूँ नया ब्लॉग। और भाई अब बज गए हैं दोपहर का एक, मेरा हो गया सारा काम। मैं वैसे आगर सानी गिर आई हूँ, नवा आई हूँ, दर्शन काट कर मिला आई हूँ, बांध आई हूँ। और अब मैंने मेरी बिटिया को मनाना है, वो है नाराज। उसको बोली मैंने सब्जी नहीं बनाई आपने आज भी, मैंने चने की चटनी बनाई थी क्योंकि इसकी दादी का जी कर रहा था कई दिन तक, और कल चने लिए थे और आज बना दी चटनी, तो सब्जी नहीं बनाई तो वह रूस रही है। उसने सुबह की ना रोटी नहीं खाई है, ओके आपने मेरे लिए चटनी नहीं बनाई, मैं नहीं खाती रोटी, और वो पढ़ रही है चुपचाप। और उसको मैं देती हूँ सरप्राइज। अब मैंने सोचा कि बेचारी पढ़ रही है भूखी मरेगी, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ उसके फेवरेट नमकीन चावल। फिर देखते हैं, चलो अब बनाती हूँ उसके लिए नमकीन चावल। ये मैं उसके लिए बना दी चावल। चावल मेरे निकाल लिए हैं और छौंक दिए भाई। और मैंने छौंक चढ़ा रखा है चावल जो आलू उलू काट रखे थे पहले ही। और भाई अब मैंने छौंक दिए हैं चावल, और जब तक एक और काम करना है मैंने, आज मेरी माँ का शर धोना है। आंख बनवाए पक्ष मेरी माँ का शर नहीं धोया है तो आज कह रही थी। और भाई ये क्लिप है जबकि दोपहर की, जब मैंने मेरी माँ का शर धोया था। मेरी माँ बनवा रही है आंख, और शर धोना नहीं था कई दिन तक, डॉक्टर ने मना कर रखा था। फिर आज मेरी माँ बोली भाई 12-13 दिन का हो गया, ले आज धो दे, तो आज फिर मैंने धोया था। मैं बोली मैं माँ लोटी रही है, लोटी लोटी का धो दूंगी आँख, भाई आँख वाली साइड पानी नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी कुछ भी, तो इसलिए मैंने ये माँ खटोली खाट पर लोटी है। और ये चुन्नी थी, मैं चुन्नी और कर ले अगर थोड़ा बहुत गलती तो छीट भी लगेगी ना, तो इस चुन्नी का ही लाग जाएगी। और फिर और मैं कल अपनी जान में तो फिर पूरी सेफ्टी करके दूंगी भाई, आपकी आँख का ना पानी ना जावे। और भाई फिर ये मैंने धो दिया था, और डॉक्टर की तो माननी पड़े है, कहनी पड़े है, तो फिर डॉक्टर ने कहा भाई पानी का छिट्टे लग गए। और इसलिए मैंने ये गर्म पानी था और मेरी माँ का कमरे में ही लोटी लोटी का शर धो दिया था। तड़ा टब लाग रहा है, टब लाग रहा है, और मेरी माँ बार बार ने कहा कदे पानी चला जा पानी चला जा, डर हो रहा था बिल्कुल। पर फिर मैंने अपनी जान में पूरी सेफ्टी से शर धो दिया, और अब मैं गई बाहर तौलिया लेने, और ये तौलिया लपेट दिया मैं, थोड़ी देर लिपटा रहेगा ना तो ये सूख जाएगा जल्दी और ना पानी टपकेगा, इसलिए मैं तौलिया लपेट दिया था इसमें क्योंकि पानी सूख लेगा। और ये टब का जो खराब पानी था ये मैं बाहर गिर दूँगी मोरी में, और भी यार गिल्ला हो गया था जो, तो मैं सोची चलो अरे वो पोचा पाचा लेने चली गई थी भाई बाहर रह गई मैं, क्योंकि वो जिमी है ना बाहर भौसन भुखन लग रही थी कुत्ते ने देख देख कर, और मैं ला गई उसने। और मैंने चावल बनने इधर रखे हैं, मैं सीटी आवा थी, मैं देखने लगी उसमें प्रेशर बन गया या ना बनया है, इसलिए इतनी लेट हो गई थी। मैं यही पोचा मैंने नवा दी है जिमी, मेरी माँ का शर धो दिया और जिमी नवा दी, थोड़ी देर इसने धूप में ही बांधे रखूंगी सूख जाएगी, बोले जा गया लट्टा ही कौन है। और इधर बन गए हैं खुशी के चावल, और ये देखो भी मैं चून पीस के ले आई थी, मैं इस नवा का ही जब मैं चून पीस के ले आई थी गिर गिर साथ में चाकी चला रही थी। और अब मैं ये बन गए खुशी के चावल, देखते हैं उसको सरप्राइज देते हैं दाल के भी कैसे बनते हैं। मैं वो डाल दूँ, ये देखो भाई खुशी के चावल बन गए हैं, और मैं डाल दूँ और फिर सर्व करती हूँ खुशी को, और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिएक्शन कैसा। अब देखते हैं खुशी का रिएक्शन। खुशी किस है, इधर आ, वो शायद वॉशरूम गई हुई है,
और तब तक उसके लिए ये सरप्राइज यहाँ पर रख देती हूँ। फिर पोछा मारना पड़ेगा मैंने, बे पानी ये पानी हो गया उसका। This is for you। मैं कहा जो बनाते आपने दादी ते कहा था कि है ना, मतलब मैं उसके लिए ना चावल बना लेती हूँ। मैं रोड कर रही थी सुबह की रोटी ही खाई ना, फिर और केक रो मैं सोचू खाले पढ़ने लग रही है क्यों खाम खाए, फिर भूखी मरेगी बेकार। मैं थैंक यू भी नहीं बोला गाइस, देखो खा तो लेने दो पहले। आजकल कैसे नालायक बच्चे हैं, पहले खाने दो उसके बाद ही बोलूं। ओहो फिर ये तो बता दे कैसा लगा सरप्राइज। अच्छा।